जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज बात करेंगे सिलेरियो के बारे में। सिलेरियो का इंजन सीज हो गया, तो इंजन सीज होने का क्या रीज़न है वो मैं बताऊंगा आपको। मैं चलता हूं गाड़ी के अंदर और मैं दिखाऊंगा आपको क्या रीज़न है इंजन सीज होने की। तो सबसे पहला चीज़, कभी भी कोई भी अगर रेड लाइट आता है गाड़ी के अंदर, रेड सिग्नल क्लस्टर मीटर में अगर कभी भी रेड सिग्नल आता है, जैसे ये ऑयल का है, ये बैटरी का है और आपका ब्रेक ऑयल का है, ये रेड सिग्नल जितने भी होते हैं ये खतरे का घंटी है। जैसे आपका ये आपका जो आके जा रही है ये टेम्परेचर वाली है, देख सकते हो ये रेड वाली, तो ये कभी भी ये रेड सिग्नल कभी भी कहीं पे भी आ जाए तो तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ी करके गाड़ी को बंद कर दें। फिर उसके बाद आपने किसी भी मिस्त्री से जिससे आपको कॉन्टैक्ट हो उससे बातचीत करके फिर उसके बाद उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, फिर आगे गाड़ी को स्टार्ट करें, तभी चलाएं, उससे पहले कभी ना चलाएं गाड़ी को। तो इसका गाड़ी को इंजन सीज होने का ये रीज़न है, ये गाड़ी चल रही थी हाईवे के ऊपर और ये रेड सिग्नल आ गया। गाड़ी वाले ने सोचा चलो अपने घर के पास जाके अपने मैकेनिक से दिखा लेंगे। हाईवे पे चलता रहा क्योंकि टैक्सी गाड़ी है, अपना 70-80 के स्पीड में चल रहा था क्योंकि 80 से ऊपर जाती नहीं है, क्योंकि क्लस्टर लॉक है इंजन, मतलब इंजन का मतलब जो ACM से लॉक किया हुआ है, 80 से ऊपर नहीं जाता है टैक्सी गाड़ी, गवर्नमेंट का रूल है। तो ये 70-80 के स्पीड में चल रहा था हाईवे पे और ये लाइट आ गया, तो इन्होंने सोचा कि अपने नज़दीकी मिस्त्री से दिखा लेंगे बाद में, चलने देता हूँ। तो इन्होंने चलने दिया और हाईवे पे 70-80 के स्पीड में चल रहा था और इंजन सीज हो गया। तो हमारा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि इसका कभी भी कोई भी रेड लाइट आए गाड़ी के अंदर, रेड मतलब खतरा हो जाता है, तो इसीलिए ये आते ही आपको गाड़ी बंद कर देना है साइड में लगा के, ठीक है। और मैं इंजन में कितना क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंजन में कितना क्या नुकसान हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने वो चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट सीज हो गया है, ये देख सकते हो, दिखाई दे रहा होगा आपको ये, बाकी के देखो बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये एक का सेकंड नंबर का ये बिल्कुल सीज हो गया। तो हमने ये क्रैंकशाफ्ट चेंज किया है, क्रैंकशाफ्ट चेंज किया है, एक कनेक्टिंग रॉड चेंज किया है, ये देख सकते हो ये कनेक्टिंग रॉड एक चेंज किया है, देखो हीट हो रखा है, सीज है, और पिस्टन तीनों चेंज किया है। तो हमने फिटिंग कर रहे हैं इधर इंजन की, आपको मैं दिखा दूँ, ये देख सकते हो पिस्टन, पिस्टन रिंग, इसके अंदर स्लिप डल के आया क्योंकि पहले से ऑयल कम कर रहा था इसीलिए इसका स्लिप डल के आया, और हेड का काम अभी हो रहा है खराद पे। तो हमने मेन आप दिखाने का मोटिव यह है कि इसका क्रैंक सीज हो गया, तो लगभग इसके अंदर 25,000 से 30,000 रुपये के आसपास खर्चा आ गया, जो बेफजूल खर्चा है, थोड़ी सी ध्यान देता तो शायद ये पैसे नहीं लगते इनके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद।